जिले में अपराधियों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। बेखौफ अपराधी गोलीबारी की घटना को अंजाम देकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहा है। दो दिन में लगातार दो गोलीबारी की घटना हो चुकी है। ड्यूटी कर कटिहार ड्राइवर टोला लौट रहे रेलकर्मी को NH-57 पर शाम 7:30 बजे के करीब बाइक सवार दो अपराधियों ने गोली मार दी और हथियार लहराते हुए फरार हो गया। घायल रेलकर्मी के पीठ में गोली लगी है। स्थानीय लोगों ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने परिजनों को घटना की पूरी जानकारी दी। घायल के परिजन आनन फानन में रेलकर्मी को बेहतर इलाज के लिए MAX-7 अस्पताल में भर्ती किया है, जहां की उपचार जारी है। 40 वर्षीय घायल युवक सुजीत कुमार पासवान कटिहार जोगबनी रेलखंड के गढ़वनैली में गेटमैन के पद पर कार्यरत है। घायल रेलकर्मी के साले ने बताया कि ड्यूटी कर घर लौटने के दौरान जलालगढ़ के नजदीक अपराधियों ने गोली मारी है। गोली लगने के बाद सुजीत नीचे गिर गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को इस घटना के बारे में बताया। रेलकर्मी की किसी से रंजिश थी या फिर जान मारने का प्रयास था, यह तो पुलिसिया कार्रवाई के बाद ही पता चलेगा। बहरहाल पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए छानबीन कर रही है। कैसे क्या हुआ था जानकारी? नहीं सर, कुछ पता नहीं है। हम लोगों को कुछ नहीं पता। क्या जानकारी क्या मिली आपको? जानकारी अभी तक कभी कुछ पता नहीं चला। सर ड्यूटी से आ रहे थे, ड्यूटी से आने के बीच में ऐसा हो गया। जंगल के बीच में कस्बा जंगल के बीच में कौन गोली मारा, क्या हुआ हम लोग पता नहीं लिया था। उसके क्या करते, क्या हैं ये, क्या करते? रेल में जॉब कर रहे हैं। रेल में जॉब करते हैं। अच्छा, ड्यूटी से घर पासवान घर हुए कटिया ड्राइवर टोला जी। अच्छा, सब वहाँ ना हमारी ड्यूटी से वो आ रहे थे वापस घर। हाँ। उसी दौरान रास्ते में मारा गोली। कितना गोली लगा है, क्या कुछ जानकारी? कहाँ लगा है? पीठ में लगा। अच्छा, पीठ में मारा। कहीं कुछ छीन-छान भी किया? ना, क्या ना, उसे कुछ छीन-छान नहीं। क्या चीज़ से आ रहे थे? बाइक से, अपना अपना बाइक से। हाँ, गड़बड़ी में हिट की करते हैं गेट पर। अच्छा, अकेले आ रहे थे? क्या नाम है उनका? सुजीत कुमार पासवान। कहाँ घर है? घर कहाँ है? ड्राइवर टोला कटिहार। घटना हुई क्या, वो रेलवे में काम करते हैं हमारे साला जी हुए, सुजीत पासवान हुए, और वो रेलवे में काम करते थे। तो वहाँ से जो है ना हमारे घर पर आए, और आने के बाद में वो जो है ना तो बातचीत, हम उसको रोकना चाहे कि आप रुक जाइए, आज नहीं जाना है आपको, मैंने शाम हो गया रुक जाइए, तो नहीं माने और चल दिए। तो रास्ते में अब अचानक वो जो दो लोग मिल करके इसको जो गोली मारी, उसको पता भी नहीं चला। जब लग गया, ब्लड व्लड जाने लगा, तब इसको एहसास हुआ, तब गिर गए। गिरने के बाद में तब कुछ आदमी थे जो उठा पुठा करके इसको जो है ना पुलिस को सर लोग बुलाए, और सर लोग के माध्यम से तब फिर कहाँ की घटना है ये? कहाँ की घटना है? जलालगढ़ में हुआ। हाँ। तो सुनने में आया कि ऑफिस से ये घर मतलब आ रहे थे। हाँ, ऑफिस में रेलवे में काम करते हैं। तो अकेले आ रहे थे क्या? ये, हाँ, अकेले आ रहे थे। क्या चीज़ से थे ये? मोटरसाइकिल से। अच्छा, हम उसको मना किए कि रुक जाइए, आप यहाँ पर आ जाइए, ठीक रहेगा, मगर नहीं रुकिए, देखिए कि वहाँ पर ऐसा ऐसा घटना हुआ। कितना गोली लगा? गोली एक लगा। क्या नाम है उसका? सुजीत पासवान नाम। कहाँ पे हुआ घटना? घटना जलालगढ़ के पास में।